आज हम बनाने जा रहे हैं, हाय फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और टमाटर। आप देख सकते हैं मैंने 3 आलू लिया है मीडियम साइज के और 2 टमाटर लिया है बड़े, इसको मैंने कट कर लिया है और थोड़ा सा मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब करते हैं, अब हमने कुकर लिया है गरम होने के लिए रख दिया था और ये हम डालेंगे तेल अपने हिसाब से फिर हम इसमें डालेंगे मेथी का दाना। तो फ्रेंड हमने बघाने के लिए लिया है मेथी 4 दाना, इसको मैं डाल देती हूँ तेल में, हमारी मेथी थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर, आप देख सकते हैं मैं डालूंगी इसमें टमाटर, इसको मैं थोड़ा ढक दूंगी, देखूंगी थोड़ा चला दूंगी अपने टमाटर को, भून जाए अच्छे से। तो साथ ही हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो 1 चम्मच मैंने लिया था, मैं लूंगी थोड़ा सा हल्दी, मिर्चा 1/2 चम्मच से कम, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चा कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, इसको थोड़ा भून लेती हूँ अपने मसाले को। आप देख सकते हैं मेरा मसाला अदरक लहसुन प्याज नहीं अदरक लहसुन टमाटर इन सबको मैं थोड़ा भून लेती हूँ। मैं आलू टमाटर रसेदार बना रही हूँ। तो फ्रेंड हम अपना ढक्कन हटा के देखेंगे, हमारा देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, टमाटर भी गल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी आलू जो हमने कट करके रखा हुआ था और इसे भी मैं चला लेती हूँ आलू को भी। आप देख सकते हैं हमारा आलू टमाटर कितना अच्छा लग रहा है। आज मैंने सोचा कि आलू टमाटर की सब्जी बनाई जाए, बहुत दिन हो गया है आलू टमाटर मेरे वहां नहीं बना था। आलू के साथ भी मैं 2 हाथ इसको चला लेती हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी के रसेदार बना रही हूँ आलू टमाटर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है हमारा आलू टमाटर। लगाने जा रही हूँ प्रेशर, 2 सीटी के बाद मैं बंद कर दूंगी इतना 2 सीट। तो फ्रेंड अब हम अपना देखेंगे कुल की सब्जी, हमारी सब्जी का क्या हाल है, आप देख सकते हैं हमारी सब्जी हो चुकी है आलू टमाटर रसेदार सब्जी। तो हमारा आलू टमाटर हो चुका है, मैं सर्व करके दिखाती हूँ, सब्जी निकाल के दिखा रही हूँ आपको गाइस। फ्रेंड गार्निशिंग करेंगे सोए धनिये के साथ, आप देख सकते हैं हमारा आलू टमाटर ये बाकी बचा। देखिए फ्रेंड हमारा आलू टमाटर कितना अच्छा रसेदार हुआ है, कोई मसाला नहीं ज्यादा, बस टमाटर आलू है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आप भी इसे बनाइएगा खाइएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा आलू टमाटर रसेदार कैसा लगा आपको। ओके बाय, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके बाय।